शीघ्र पतन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन की कहानी, एक पेशेंट की जुबानी। इसके बारे में बातचीत करने वाला, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ पिछले 37 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें जो ऑडियो वीडियो कॉल्स आते हैं, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं, पर्सनल आते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई जल्दी वीर्यस्राव हो रहा है, शीघ्र पतन हो रहा है, अभी मुझे शादी करनी है और मैं शादी करूँ कि नहीं करूँ, मुझे ये ठीक करवा दो और बाद में मैं शादी करूँगा। अभी एक जो लड़का आया था, 27 साल की उम्र, और एक कंपनी में नौकरी कर रहा है, सिर्फ 10,000 रुपये महीना सैलरी है। उसको गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड के साथ में शादी करना नहीं करना अभी पक्का नहीं है, मतलब वही उसके साथ में शादी करने की, और कोई अपने जात पात के लेना है शादी करने के लिए। मगर अभी हुआ क्या है कि जैसा हस्तमैथुन की काफ़ी आदत, उसको हस्तमैथुन में, हस्तमैथुन करना कहाँ, हस्तमैथुन करना बाथरूम में स्नान करने के समय या लैट्रिन में, क्योंकि बाकी जगह ही नहीं है, कमरे दो हैं सिर्फ, अकेले कमरे में सो नहीं सकते, अकेलापन नहीं है, तो फिर हस्तमैथुन कहाँ करेंगे, तो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। बाथरूम में भी जाएंगे तो बाहर कोई तो भी खड़ा है कि जल्दी करो स्नान, हमको भी स्नान करना है करके, तो फिर ऐसे इसमें जल्दी हस्तमैथुन कर लो। उसका जब उसके गर्लफ्रेंड के साथ में ताल्लुकात आई, मतलब रिलेशनशिप हुआ, तो वहाँ भी क्या हो गया कि जल्दी जल्दी में करो, फटाफट करो, और वहाँ भी जल्दी गिरना चालू हो गया। जब जब वो कांटेक्ट में आता, 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो वहाँ शीघ्र पतन होता और हस्तमैथुन में भी शीघ्र पतन हो रहा है। अभी उसको प्रॉब्लम है कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड जो है मेरे से नाराज़ है, बोले मुझे खुशी नहीं मिलती है, अब मैं क्या करूँ, अब मैंने क्या करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं शादी करूँ उसके साथ में तो शादी करने को तैयार नहीं, बोलते पहले तुम बताओ कि भाई तुम्हारा सेक्स ठीक होगा कि नहीं होगा, पहले वो अच्छा सेक्स करके बताओ, और दूसरा इसके साथ में शादी नहीं करूँ और कहीं और करूँ शादी, तभी भी वही प्रॉब्लम है। शादी के बाद में यदि ऐसा हुआ तो फिर वो लड़की यदि नहीं, मतलब जो होने वाली पत्नी है, वो यदि समाधानी सुखी नहीं रही तो वो भी प्रॉब्लम निकल जाएगी। अभी हमको ये सवाल आता है अभी उसको करना कैसे, क्योंकि समझो मैं दवा भी देता हूँ तो दवा देने के बाद में उसको, उसने कहा मतलब टेस्ट कहाँ करना, क्योंकि जब जाएगा वो लड़की के साथ में या गर्लफ्रेंड के पास में तो 10-15 दिन में जाता है, बहुत एक्साइटेड रहता है, तो वैसा भी जल्दी गिरना है, क्योंकि जब आप गैप देते हैं बहुत, तो गैप देने के बाद में बहुत एक्साइटमेंट रहता है, सेंसिटिव ज़्यादा हो जाता है, उस समय जल्दी तो गिरना ही है। फिर मैंने उसको बताया ठीक है हरकत नहीं, तभी मैं आपको दवा देता हूँ, और मेरे पास में ऐसी दवाई है कि जो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक आप लंबा कर सकते हैं, मगर आप और एक काम करो, क्योंकि अभी ये तो बहुत इमरजेंसी हो गई, इमरजेंसी इन द सेंस कि अभी वो यदि नहीं कर पाया लड़की के साथ में तो अभी तो मतलब डिवोर्स होना है उसका, या मतलब गर्लफ्रेंड निकल जाएंगी, बोलेंगे अभी तो मैं तुमको मिलने वाली नहीं हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है अभी आप ऐसा करो कि हैंड प्रैक्टिस करो, हस्तमैथुन करो, बाद में गोली खाओ और जाओ और बाद में करो। और मैंने उसको फिर रिंग दिया, पेनाइल रिंग भी दिया, उसको मैंने कीगल्स एक्सरसाइज भी सिखाया, उसको मैंने मेडिसिन भी दिया, उसको मैंने इरेक्शन आने के लिए दवाई दिया, मतलब उसको पूरी दवाई पैक करके उसको, और फिर उसको ऐसे ऑइंटमेंट भी दिया कि जिससे पूरा पेनिस सुन हो जाता है, कोई सेंसेशन रहता नहीं है, ताकि जल्दी गिरेगा भी नहीं, और उसको भेजा। मैंने जा भी तुम करो ये, ऐसा 2 घंटे पहले सब ये करने का है। बाद में आ गया, बोले बहुत खुश हो गया, मैं भी खुश हो गया और लड़की भी खुश हो गई, और मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि नहीं अभी मैं 10-15 मिनट तक ये सेक्स कर सकता हूँ और मेरे वाइफ को मैं खुश रख सकता हूँ। वो मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो भी शादी करने के लिए तैयार है, बहुत ही खुश था, आया तो पेड़ी लेके आ गया, बोले मेरी सगाई भी पक्की हो गई। बोला थैंक यू वेरी मच। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करूँगी, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, और ये कॉमन प्रॉब्लम यदि हम लोगों को ज़्यादा स्प्रेड करके बताते हैं तो क्या होगा, लोग अच्छे हो जाएंगे, उनकी मैरिड लाइफ और उनकी लाइफ अच्छी हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।